हेलो बच्चों, तो आप सभी को पता होगा जस्ट लाइक जो भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, जैसे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, MRSPTU है, रीप राजस्थान है, ऑल टोटल ऑलमोस्ट पोर्टल ओपन हो चुके हैं। गवर्नमेंट जो एडमिशन है इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट जो क्लासेस हैं जस्ट लाइक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है वो सभी खुल चुके हैं, कॉलेजेस ऑफलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं इजीली। तो जो IK गुजरल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है इसका भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। MRSPTU महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑलरेडी रनिंग है, तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं इस कॉलेजों के अंदर। डायरेक्टली भी एडमिशन पॉसिबल है अभी, ठीक है, कुछ नेम्स आ गए। और जस्ट लाइक आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि IK गुजरल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड MRSPTU के अंदर अभी भी एडमिशन पॉसिबल है, ठीक है। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी JEE की रैंक बहुत कम है या फिर बहुत ही कम हो, या फिर आपने JEE का एग्जाम ही ना दिया हो, या फिर 12th बेसिस हो, तो आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपका डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है 12th के मार्क्स के बेसिस पे या फिर लो JEE की रैंक के बेसिस पे, ठीक है। तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईजिली आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये MRSPTU की जो है IK गुजरल की ऑफिशियल साइट है। अब चलते हैं अपन MRSPTU की ओर। तो गाइस अभी आप मौके पर चौका मार सकते हैं, ठीक है। टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस मेन कैंपस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, मौका है आपके पास एडमिशन लेने का, यू कैन गेट इट। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि सर्विस बिल्कुल भी फ्री नहीं है, ठीक है। तो आप जस्ट व्हाट्सएप पर टाइम खराब बिल्कुल भी ना करें, अगर आपको एडमिशन लेना है तभी आप कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, जिससे बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई मिल सके। वरना कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको 5-5, 10-10 दिन तक रिप्लाई तक नहीं मिल पाता, ठीक है, कुछ एडमिशन्स की वजह से। तो अपना JEE के अंदर अभी JEE का एग्जाम चल रहा है, तो JEE के अंदर अपना बेस्ट है और डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। ओके गाइस, तो अगर राजस्थान का जो प्रोसेस है रीप राजस्थान वो भी ऑलरेडी रनिंग है, लेकिन उसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है अच्छे। अगर आप राजस्थान से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। देन अगर आप MRSPTU को चूज करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसका जो कैंपस का वीडियो लिंक है वो मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसका जो कैंपस है वो बहुत ही अच्छा कैंपस है एंड इट्स पंजाब का सबसे अच्छा कैंपस है अगर वैसे देखा जाए तो MRSPTU का। इसका एक लाजवाब कैंपस है, ऐसा राजा महाराजाओं से भी अच्छा कैंपस है इसका। ओके, तो यू कैन गेट एडमिशन इजीली। और अगर कुछ बच्चे जैसे राजस्थान से वीडियो देख रहे हो और उनको लगता है कि आउटसाइड स्टेट जाने पर जैसे लाइक उनका जो है कॉस्ट वगैरह ज़्यादा आएगा, हॉस्टल वगैरह, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इनकी फ़ीस जो है वो बहुत स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की बहुत लो फीस होती है। चलो अपन देख लेते हैं इनकी फ़ीस भी, ठीक है। हॉस्टल भी बहुत लो फीस पर मिलता है, यहाँ पर PG भी मिल जाता है आसानी से आसपास। जब तक ये ओपन हो रहा है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यहाँ पे PG वगैरह तो आसानी से मिल ही जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट जाके सर्च करते हैं गूगल के ऊपर MRSPTU फीस, MRSPTU हॉस्टल, MRSPTU रैंकिंग, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ वेबसाइट हैं जैसे जो है ये 360 डिग्री है और सर्वे ज्ञान है, शिक्षा.com है, ये डायरेक्ट ऐसे कुछ भी दिखा देता है जैसे JEE मेन या फिर इसकी फीस 5 लाख। तो आपको जो भी जानकारी चाहिए आपको जस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जानकारी जो मिले इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितना एडमिशन कैसे होता है, कि डोनेशन बेस पे होता है कि नहीं होता, डायरेक्ट होता है कि नहीं होता, JEE मेन के बेसिस पे हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसके लिए आपको जस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट ऐसे गूगल पे देख रहे हैं तो वो सही नहीं है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती है कि जस्ट लाइक आप बोल रहे हो डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, ये सर्वज्ञान पे लिखा है, स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं कि JEE मेन ले रहा है, तो जस्ट जो वेबसाइटें होती है वो जस्ट लाइक 2-3 साल तक अपडेट ही नहीं होती, ठीक है, वो ऑलमोस्ट ऐसे पड़ी रहती है। तो आपको ऐसे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जस्ट ऑफिशियल वेबसाइट जो हो वहाँ से जो डिटेल्स लेके ऐसे कुछ आपको करना चाहिए, ठीक है। और अगर इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जस्ट लाइक अभी थोड़ा इंटरनेट सर्वर में कर लेता हूँ। ओके ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं इनकी फीस स्ट्रक्चर वैसे बहुत कम होती है, ठीक है। इसके अंदर स्कॉलरशिप वगैरह मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की फीस दी गई है 30,000 रुपये ट्यूशन फीस है, फिर ये जो है 6500 इसकी डेवलपमेंट फीस है, स्टूडेंट फंड्स है एंड सिक्योरिटी फीस है जो कि ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट लेते ही हैं, जो 4 साल बाद वापस लौटाए जाती है। ये अदर चार्ज फीस है 1600 रुपये, एग्जाम फीस है और एडमिशन जब आप काउंसलिंग करेंगे तो
जैसे ये फीस लगेगी आपके 200 रुपये, 2000 रुपये, और एडमिशन रजिस्ट्रेशन फीस है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कुल टोटल एटलीस्ट 50,000 रुपये हो रही है, ठीक है। अगर आपके 80 प्लस है, 80% अगर 12th क्लास के अंदर भी है, तो आपको डायरेक्ट जो है 15% की स्कॉलरशिप जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यहाँ से डायरेक्ट कट हो जाएगी। यहाँ की अगर आपके यहाँ पर जो 50,000 शो कर रही है, तो वो डायरेक्ट आपकी डिस्कनेक्ट होकर 30,000 पर आ जाएगी, ठीक है। 31-32 ऐसे कुछ बनेगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। देन बाद में आपकी सेकेंड पे डायरेक्टली कम हो गई है, जैसे यहाँ पे जो 40 थी, यहाँ पे 50 थी, तो यहाँ पे डायरेक्टली 40 हो गई। अब आप 40 का डायरेक्ट 15% निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 15% और टोटल, अगर आपके एज 80% लेकर आ रहे हैं, तो आपकी 15% ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो जस्ट नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड अगर आप जस्ट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं पटियाला कैंपस से, ओके। एंड एरोनॉटिकल भी अवेलेबल है, एरोस्पेस भी अवेलेबल है, जो कि मिलिट्री बेस के अंदर इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, ओके गाइस। तो इनकी फीस तो बहुत ही नॉर्मल है, सूटेबल, तो यू कैन चूज इट। और इनके पास और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे BBA है, एविनेशन है, इंडिया के अंदर बहुत कम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, BMS एयरलाइंस है, ठीक है। तो यू कैन चूज इट, PSAIC पटियाला, ओके। एंड दिस इज वेरी गुड इंस्टीट्यूट। ओके, PSAIC पटियाला, दिस इज सिचुएटेड इन मिलिट्री बेस इन पटियाला कैंट एंड मिलिट्री बेस। तो जस्ट इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी JEE के अंदर कम रैंक भी है, तो आप नीचे WhatsApp पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेड सीट है, तो पहले आओ पहले पाओ की सुविधा पे अवेलेबल है अभी, तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं, ओके। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय। नीचे दो नंबर दिया गया, एक गोल्ड प्राइम मेंबर नंबर है, एक नॉर्मल नंबर है, ठीक है। तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इजीली, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप राजस्थान से हैं या फिर और अदर साइड स्टेट से हैं, तो अगर आपको अपनी जो पसंद की ब्रांच नहीं मिल रही है, जैसे आपको कंप्यूटर साइंस लेना है और आपको सिविल मिल रही है, तो आपको सिविल को छोड़ देना चाहिए। और अगर आप जयपुर के हैं और सिविल लेने जोधपुर जा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा, इससे तो अच्छा आप आउटसाइड स्टेट ही जा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। आप जस्ट आई के गुजरल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी और जो MRSPTU है, इसका प्लेसमेंट पैकेज बहुत अच्छा जाता है, और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा है। कैंपस का वीडियो मैं नीचे एक यूट्यूब वीडियो का लिंक सेंड कर रहा हूँ, जिन्होंने जब ये क्रिएट किया गया था तो ये वीडियो बनाया था। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।